स्टूडेंट्स जैसे जैसे आई शेयर विद यू यू नो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आई एम श्योर यू विल बी मोर एंड मोर एक्साइटेड ये जो 193 नाइनटी थ्री है इसके अंदर हम एक और जो बहुत ही वाइटल एंड वर्सटाइल इंडस्ट्री है बैंकिंग उसको डिस्कस करेंगे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसमें भी अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज आई है पिछले 10 15 20 सालों में आई हैव सीन माई सेल्फ वो बड़े बड़े लॉग्स में अकाउंट्स मेनटेन होते थे एवरी थिंग वॉज यू नो मैनअल वेयर हैज टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ऑटोमेटिक जहाँ पर बेशुमार सिस्टम आ गए हैं आपके जो कि डिफरेंट लोग डिफ, बैंक्स यूज़ करते हैं फिर जो अकाउंट होल्डर हैं वो यूज़ करते हैं बैंक के एम्प्लॉज यूज़ करते हैं तो देर दे, दे इज़ अ मेजर शिफ्ट एक आप कह सकते हैं कि पूरी पैराडाइम शिफ्ट है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आ चुकी है अब आप देखिए कि जो बैंक है ना अगेन टू एक्सटेंट मैं इसको टेलीकॉम से रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे नॉट ओनली वन बैंक बट बेशुमार बैंक हैं आपके मुल्क में अगर चालीस पचास बैंक है आम सी बात है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं तो वो जो अकाउंट होल्डर हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री जो बैंकों की ब्रांचें हैं दे आर अक्रॉस द कंट्री अब ए टी एम है फ़र्ज़ करें अब ए टी एम आपका अकाउंट किसी भी बैंक का है फर्ज़ करें ए बी सी का है एक्स वाई सी का है वन टू थ्री का है यू कैन वॉक इन कन्वीनियनटली टू एनी ए टी एम मशीन ठीक है ना आपको ज़रूर आज से पहले यह था कि आपको उसी बैंक के या उसी एक नेटवर्क के ए टी एम पर जाना पड़ता था बट टुडे यू कैन वॉक इन टू एनी ए टी एम एंड ड्रॉ योर मनी और अगर आपने अच्छा पहले तो सिर्फ ये था पैसे निकलवा सकते थे अब आप अपना बिल जमा करवा सकते हैं कोई भी यूटिलिटी बिल मोबाइल का फ़ोन का गैस का बिजली का वो आप करवा सकते हैं आप किसी को पैसे भेजने हैं वो भेज सकते हैं यू नो सो बे बेशुमार बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो इस इंडस्ट्री में क्रिएट हो चुकी हैं थ्रू आउट द ईयर्स और यही बैंकिंग इंडस्ट्री को जो है ना इट हैज़ मेड इट डिफरेंट फ्राम कन्वेंशनल बैंकिंग अब आपके पास अगर हम देखें इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर कन्वेंशनल बैंकिंग भी है इस्लामिक बैंकिंग भी है दोनों के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है जो सिस्टम कुछ जो है दे आर डिफरेंट कुछ कॉमन है अब ये जो सारी चीज़ें अगेन एवरी थिंग हैज़ प्लैंड जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजते हैं आपने स्विफ्ट कोड का जिक्र सुना होगा आपने आईबैन सुना होगा या और कुछ इस तरह के नंबर हैं या कन्वेंशन हैं वर्ल्ड वाइड जो कि यूज होते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए फ्राम वन फ्राम वन बैंक टू दी अदर और इसी तरह वही जो बैंक है अगर उसकी अपनी ब्रांच है या कोई और बैंक है कोई इंटरनेशनल बैंक है तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बेशुमार चेंजेस आई और ये अगेन सी दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आई एम श्योर के यू हैव अंडरस्टूड ये जितनी चीज़ों की मैं बात करूँ एवरीथिंग इज डेटा आपने अकाउंट खुलवाया आपने अकाउंट से पैसे निकाले निकाले आपने चेकबुक यूज़ की एवरीवेयर सम डेटा इज बींग जनरेटेड और एंड देयर डेटा इज बींग एनाइज वेरी क्रिटिकली वेरी केयरफुली और बैंकों के अंदर भी आ, डेटा साइंटिस्ट का जो रोल है या प्रॉपर जॉब्स है ये जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट की विद इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ये दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन अब जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी मैंने आ, जो हमने डिस्कस किया था पिछले उसमें मॉड्यूल में कि अब बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना वो अगर उसकी आप टेक्नोलॉजी देखें तो अब आज ब्रांचलेस बैंकिंग भी है आज इंटरनेट बैंकिंग भी है आज आपकी ऑनलाइन बैंकिंग भी है तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल बेसिकली हो ये रहा है कि टेलीकॉम एंड बैंकिंग देर कन्वर्जिंग तो वो जो काम आप या टेलीकॉम नेटवर्क है वो यूज़ हो रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में तो बैंकों के अंदर जो आपके डिफरेंट सिस्टम हैं वो सारे के सारे अब आपके जो डिजिटल सिस्टम्स आ गए हैं कि आपको बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है आप घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं आपको यू you नो know, वो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है या इंट्रैक्शन है विद द बैंक जो बैंक अब इस चीज़ पर काम करें कि जो कस्टमर के विजिट्स हैं बैंक में उनको कम से कम किया जाए ताकि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और यूजिंग एडवांटेज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी हम देखें अगर आप सफ़र कम करता है बंदा तो उसका अपना टाइम बचता है बैंक वालों की जो मैनेजमेंट है विद इन द ब्रांच वो बचती है आप ट्रैफिक देखें आप पोल्यूशन देखें तो ये जो सारी चीज़ें दे हैव वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी कि जो टेक्नोलॉजीज़ बैंक यूज़ कर रहे हैं आज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर आपकी जो सोसाइटी है उसकी जो बेटरमेंट है उसके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है अब बैंकिंग के अंदर भी बेशुमार सिस्टम यूज़ होते हैं दो सिस्टम जो वैसे तो सब एवरी सिस्टम इज़ अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि तो वो लोकल बैंक है रिटेल बैंक है कॉरपोरेट बैंक है किस तो वो बैंक का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है एक जो एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं कोर बैंकिंग ये हर बैंक के लिए ज़रूरी है इसके पास ये कोर बैंकिंग का सोलूशन हो पूरी दुनिया में इस वक्त को देर अबाउट ज़्यादा है वैसे तो लेकिन कोई जो ज्यादा को फेमस हैं अराउंड टेन जो हैं आपके वो कोर बैंकिंग सिस्टम है एंड दे आर यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड इसके अंदर वो वही जो मेन मार्केट लीडर है वही डोमिनेट करते हैं दे, देर सिस्टम आर एवरीवेयर फिर इसके बाद अगर आप वो लोन देते हैं हाउस लोन देते हैं कार लोन देते हैं उनके सिस्टम अलहदा से हैं ए टी एम के स्विच अलीहदा हैं पेमेंट गेट वेज अलीहदा हैं और फिर एक फाइनेंशियल सिस्टम हर इंडस्ट्री में होता है जहाँ पर वो अपना जिसे कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब रखते हैं अपने एक्सेट्स का हिसाब रखते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम भी वहाँ पर ज़रूरी है तो ये र जस्ट सम ऑफ़ द यू नो सिस्टम्स जो बैंकिंग में होते हैं एंड दे आर सो मैनी मोर सिस्टम्स जो एग्जाम्पल आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट जैसे मैं आई बिकम लेटर बिट मोर एक्साइटेड वेन आई टॉक अबाउट इंडस्ट्री यूज केसेस अब इसके अंदर जो आपका अगर देखेंगे जो कस्टमर की सेगमेंटेशन है दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टू प्रोवाइड सर्विस टू योर कस्टमर और ये बैंकिंग में ही नहीं किसी भी और इंडस्ट्री में उतनी ही इंपॉर्टेंट बट बैंकिंग में इसका एक अपना परस्पेक्टिव है कि आपका जो अकाउंट होल्डर है वो किस एज ग्रुप का है उसकी जेंडर क्या है उसका इनकम ग्रुप क्या है ये फिर उसके बाद उसका अकाउंट की टाइप क्या है सेविंग अकाउंट है उसका करंट अकाउंट है उसने क्रेडिट कार्ड आपसे लिया है नहीं लिया डेबिट कार्ड लिया है नहीं लिया तो ये सारी चीज़ें बेसिकली दीज आर ऑल फिर उसकी जो और वो किस शहर से है, कौन सा एटीएम ज़्यादा यूज़ करता है कौन सी ब्रांच ज़्यादा विज़िट करता है क्योंकि आजकल तो यू नो यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ़ योर ब्रांच बैंक में जहाँ पे आपने अपना अकाउंट खोला था यू डोंट हैव टू गो देर यू नो यू कैन क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है यू कैन विजिट एनी ब्रांच तो ये जो सारी चीज़ें ये फिर बैंक को हेल्प करती हैं ये प्लान करने में कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है मैंने कौन सी जो है वो स्कीम जो है ना वो आ, लोन की लॉन्च करनी है या मैंने और आ, जो है ना किस कोई नई ब्रांच अगर ओपन करनी है तो कहाँ पे करनी है किस शहर में करनी है नया एटीएम टी कहाँ लगाना तो इस तरह से दे मल्टीपल यूज़ केसेस आपके डेटा साइंटिस्ट के जो के बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट सेगमेंट